हेलो गाइस, मैं उलीशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घ्यू न्यूज़ में। गाइस, भारत में कई ऐसे किले हैं जो अपने अनोखे इतिहास और रहस्यों के लिए जाने जाते हैं। ये किले अपने आप में कई अनूठी कहानी समेटे हुए हैं। इन सभी किलों की कोई ना कोई कहानी इतिहास में देखने को मिलती है। इन्हीं कई रहस्यों से भरे किलों में से किला मध्य प्रदेश के भोपाल में रायसेन का किला है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ शासन कर रहे राजा ने खुद अपनी रानी का सिर काट दिया था। कहते हैं कि यहाँ के राजा राजसेन के पास पारस का पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना सकता था। शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए तांबे के सिक्के को गलवा कर तोपे बनवाई, जिसकी बदौलत ही उसे जीत नसीब हुई। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि 1543 ईस्वी में इसे जीतने के लिए शेरशाह ने धोखे का सहारा लिया। उस समय इस किले पर राजा पूरन मल का शासन था। उन्होंने जैसे ही ये पता चला उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने दुश्मनों से अपनी पत्नी रानी रत्नावली को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। इस किले से जुड़ी एक बहुत ही रहस्यमय कहानी है। इस रहस्यमय पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए, लेकिन जब राजा राजसेन हार गए तो उन्होंने पारस पत्थर को किले में ही तालाब में फेंक दिया। ऐसा कहते हैं कि कई राजाओं ने इस किले को खुदवा कर पारस का पत्थर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आज भी लोग यहाँ रात के समय पारस पत्थर की तलाश में तांत्रिकों को अपने साथ लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। इसको लेकर ये कहानी भी है कि यहाँ पत्थरों को ढूंढने आने वाले कई लोग अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठते हैं, क्योंकि पारस पत्थर की रक्षा एक जिन करता है। हालांकि पुरातत्व विभाग को अब तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि पारस पत्थर इसी किले में मौजूद है, लेकिन कहे सुने कहानियों की वजह से लोग चोरी छुपे पारस पत्थर की तलाश में निकल जाते हैं और इसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। गाइस, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।